प्रेम कुमार कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार एक्ट्रेस में से एक हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2004 में की थी। इन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन मूवीज जैसे निन पिराली, चौका, चार मीनार जैसी मूवीज दी हैं और इनके फैंस इन्हें प्यार से लवली स्टार भी कहकर बुलाते हैं और यह अपनी अपकमिंग मूवी प्रेमम पोजम के लिए अभी चर्चा में बने हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में लवली स्टार प्रेम कुमार की हिट और फ्लो मूवीज़ के बारे में जानेंगे, इनका बॉक्स ऑफिस करियर एनालिसिस करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। नंबर वन, प्राणा। यह एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी जिसका डायरेक्शन किया था प्रकाश ने। लीडिंग स्टार कास्ट में लवली स्टार प्रेम कुमार, प्रीति चंद्रशेखर दिखाई दी थी। मूवी 2004 में रिलीज हुई थी और इसे कोई IMDb रेटिंग प्राप्त नहीं थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन नहीं किया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर टू, नीने पिराली। इस मूवी का डायरेक्शन किया था रत्ना राजा ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में प्रेम कुमार, अनंत नाग और विनय प्रसाद दिखाई दिए थे। मूवी 2005 में रिलीज हुई और 6.9 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इनकी नेक्स्ट मूवी थी ज्योति ज्योतियाली। मूवी का डायरेक्शन किया दिनाकर टी ने। इस मूवी में प्रेम कुमार, दिव्या और संदीप मल्लानी दिखाई दिए। मूवी 2006 में रिलीज हुई और 5.2 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। मूवी को दर्शकों ने खासा पसंद किया और कलेक्शन के हिसाब से यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी और इसे हिंदी में भी डब किया गया। इनकी नेक्स्ट मूवी थी पलाकी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी जिसका डायरेक्शन किया था नरेंद्रा बाबू ने। लीडिंग स्टार कास्ट में प्रेम कुमार, डोडन्ना और सुमित्रा दिखाई दी थी। मूवी 2007 में रिलीज हुई और इसे कोई IMDb रेटिंग नहीं प्राप्त हुई थी और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। हालांकि कई वेबसाइट्स इसे हिट और कई वेबसाइट फ्लॉप बताती हैं। इनकी नेक्स्ट मूवी थी गुनावंथा। मूवी का डायरेक्शन किया था रघुवर्धन ने। प्रेम के साथ मूवी में रेखा वेदव्यास और रंगायन रघु दिखाई दिए थे। मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और इसने ठीक ठाक कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एक एवरेज फिल्म साबित हुई। नेक्स्ट थी होंगानुसू, जिसका डायरेक्शन किया था रत्नाजा ने। मूवी में प्रेम कुमार, अंजलि और अनुराधा मेहता दिखाई दी थी। मूवी 2008 में रिलीज हुई और दर्शकों को यह मूवी कोई खास पसंद नहीं आई और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। गुत्थम। मूवी का डायरेक्शन किया था के राजीव प्रसाद ने। मूवी में प्रेम कुमार, अनंत नाग और रमेश भट्ट दिखाई दिए। मूवी 2009 में रिलीज हुई और इस मूवी ने ठीक ठाक कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज हिट फिल्म साबित हुई। इनकी नेक्स्ट मूवी थी सवि सवि नीनप्पू। मूवी का डायरेक्शन किया था संतोष राय पी ने। मूवी का लीडिंग स्टार कास्ट में प्रेम कुमार, मल्लिका कपूर और तनिष्का दिखाई दी। मूवी 2007 में रिलीज हुई और यह ट्रायंगल स्टोरी मूवी दर्शकों को पसंद आई और एक हिट फिल्म साबित हुई। इनकी नेक्स्ट मूवी थी जोथे गारा। मूवी का डायरेक्शन किया सिंगामणि ने और मूवी में प्रेम कुमार, दिव्या और लक्ष्मी दिखाई दी। मूवी 2010 में रिलीज हुई और 6.6 की इसे बेहतरीन IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। हालांकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन किया और एक एवरेज फिल्म रही। इनकी नेक्स्ट मूवी थी आई एम सॉरी माते बनी प्रीत सोना। मूवी का डायरेक्शन किया था रविंदर HP दास ने। लवली स्टार प्रेम कुमार के साथ करिश्मा ताना और संजना दिखाई दी थी। मूवी 2011 में रिलीज हुई और 7.8 की मूवी इस मूवी को IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी। मूवी ने कोई खास कलेक्शन नहीं किया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही। इनकी नेक्स्ट मूवी थी धन धना धन। यह एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी जिसका डायरेक्शन किया था रामनाथ ने। लीडिंग स्टार कास्ट में प्रेम कुमार, शर्मिला मेंद्रे और अनंत नाग दिखाई दिए। मूवी 2011 में रिलीज हुई और इस मूवी को भी दर्शकों ने सिरे से नकार दिया और इस मूवी ने कोई खास कलेक्शन नहीं किया और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। यह प्रेम कुमार की बैक टू बैक थर्ड फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इनकी नेक्स्ट मूवी थी चार मीनार, जिससे प्रेम कुमार सर ने दमदार वापसी की और प्रेम कुमार सर के साथ मेघना गोयनका और रंगायन रघु दिखाई दिए। मूवी 2013 में रिलीज हुई और 6.8 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी का डायरेक्शन किया था आर चंद्रू ने। मूवी ने तकरीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसका कई भाषाओं में रीमेक भी बना। इनकी नेक्स्ट थी चंद्रा, जो एक बायलिंगुअल मूवी थी। मूवी में प्रेम कुमार, श्रेया शरण और गणेश दिखाई दिए। यह 2013 में रिलीज हुई और कनाडा बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपरहिट साबित हुई और तमिल में यह एक फ्लॉप रही। इनकी नेक्स्ट मूवी थी शत्रु,
जिसका डायरेक्शन किया था जगदीश कुमार ने। मूवी में प्रेम कुमार, डिंपल चोपड़े और बुलेट प्रकाश दिखाई दिए। मूवी 2013 में रिलीज हुई और 4.7 की नेगेटिव IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। मूवी ने कोई खास कलेक्शन नहीं किया और कलेक्शन के हिसाब से यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर 16, अति अपूर्वा। मूवी का डायरेक्शन किया था दिनेश बबलू ने और लीडिंग स्टार कास्ट में प्रेम कुमार, इंद्रिता रे और अनंत नाग दिखाई दिए। यह एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी जो 2014 में रिलीज हुई और इसे भी क्रिटिक्स ने सिरे से नकार दिया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फ्लॉप फिल्म रही। इनकी नेक्स्ट मूवी थी फेयर एंड लवली। मूवी का डायरेक्शन किया रघुराम ने। मूवी में प्रेम कुमार, श्वेता श्रीवास्तव और विजय राघवेंद्रा दिखाई दिए। मूवी 2014 में रिलीज हुई और 5.7 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी ने बेहतरीन कलेक्शन किया और यह मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इनकी नेक्स्ट मूवी थी माले, जिसका डायरेक्शन किया था AR शिवा तेजस ने। मूवी में प्रेम कुमार, अमूल्य और जय जगदीश दिखाई दिए। मूवी 2015 में रिलीज हुई और 6.4 की से IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। मूवी ने ठीक ठाक कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से यह एक एवरेज फिल्म रही। इनकी नेक्स्ट मूवी थी मस्त मोहब्बत। मूवी का डायरेक्शन किया था मोहन मालगी ने। मूवी में प्रेम कुमार, पूनम बाजवार, चिकन्ना दिखाई दिए। मूवी 2016 में रिलीज हुई और 4.2 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी ने ठीक ठाक कलेक्शन किया और एक एवरेज हिट फिल्म साबित हुई। इनकी नेक्स्ट मूवी थी चौका, जिसका डायरेक्शन किया तरुण किशोर सुधीर ने। मूवी में प्रेम कुमार, विजय राघवेंद्रा, दिगांत, प्रज्वाल देवराज, भावना दिखाई दी। मूवी 2017 में रिलीज हुई और 8.2 की से IMDb रेटिंग वाली इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ का कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसी के साथ ही लगभग 17 साल के बाद प्रेम कुमार ने कोई ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी। इनकी नेक्स्ट मूवी थी दलपति। मूवी का डायरेक्शन किया प्रशांत राज ने। मूवी में प्रेम कुमार, कृति खरबंदा और चिकन्ना दिखाई दिए। मूवी 2018 में रिलीज हुई और 5.5 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई। और कृति खरबंदा की यह लास्ट कन्नड़ा मूवी भी है, हालांकि वह आने वाले समय में गूगली 2 में हमें देखने को मिल सकती हैं। इनकी नेक्स्ट मूवी थी लाइफ जोंथे ऑन द सेल्फी। यह एक लाइफ बेस्ड कमिंग ऑफ एज ड्रामा मूवी थी जिसका डायरेक्शन किया था दिनाकर टी ने। मूवी में प्रेम कुमार, प्रज्वाल देवराज, हरिप्रिया और धनंजय दिखाई दिए। मूवी 2018 में रिलीज हुई और 7.3 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट साबित हुई। अब बात करें इनकी अपकमिंग मूवी की, तो फर्स्ट मूवी आती है प्रेमम पोजियम, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है। मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं राघवेंद्रा और मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में प्रेम कुमार, वृंदा आचार्य, इंद्रिता रॉय और साधु कोकिला दिखाई देंगे। यह एक रोमांटिक ड्रामा मूवी होने वाली है और अभी हाल ही में जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था तो दर्शकों ने और क्रिटिक्स ने इसके ट्रेलर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की। मूवी की सिनेमाटोग्राफी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बताया जा रहा है और इसमें हमें लवली स्टार प्रेम कुमार का एक बहुत ही दमदार और यूनिक लुक देखने को मिला। पहले यह मूवी 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से यह मूवी आगे पोस्टपोन हो गई और जल्द ही अब यह मूवी हमें नवंबर या दिसंबर में बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर देखने को मिलेगी। और प्रेम सर की कोई मूवी तकरीबन 3 सालों के बाद रिलीज हो रही है तो दर्शकों में इस मूवी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है। नंबर 23, इनकी एक और अपकमिंग मूवी है जिसका नाम है डेविड राजा, जिसमें यह पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे और मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हो। बाकी की स्टार कास्ट का नाम फाइनल होना बाकी है और यह मूवी भी हमें 2022 तक बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं जल्दी आपको एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप बन रही हमारे साथ। धन्यवाद।